मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि तेज प्रताप यादव भैया के पूरे छवि को तेजस्वी यादव जी जो वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने उनके छवि को धूमिल करने का काम किया है और उनको गाली सुनवाने का काम बिहार की जनता से करवा रही है तेजस्वी यादव। बाबा बागेश्वर के बिहार आने से पहले बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इधर तेज प्रताप के पुराने सहयोगी रहे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के आकाश यादव ने कहा कि तेज प्रताप नहीं तेजस्वी यादव बागेश्वर धाम का विरोध तेज प्रताप यादव से करवा रहे हैं। तेज प्रताप की छवि को बिगाड़ने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि तेज प्रताप यादव भैया के पूरे छवि को तेजस्वी यादव जी जो वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने उनके छवि को धूमिल करने का काम किया है और उनको गाली सुनवाने का काम बिहार की जनता से करवा रही है तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके पुराने सहयोगी रहे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के आकाश यादव गली गली घूमकर 51,000 हनुमान चालीसा बांट रहे हैं। ये वही आकाश यादव हैं जो कभी तेज प्रताप का दाहिना हाथ माने जाते थे। बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का पटना में 13 मई से भव्य कार्यक्रम होने वाला है। 13 मई को बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पटना आने वाले हैं और हनुमंत कथा का कार्यक्रम है। और उसी कड़ी में देखिए, जहां एक ओर तेज प्रताप यादव धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर तेज प्रताप के पुराने सहयोगी रहे आकाश यादव जो अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में, वो गली गली घूमकर हनुमान चालीसा बांट रहे हैं। बात करते हैं, आप हनुमान चालीसा बांट रहे हैं और तेज प्रताप यादव विरोध कर रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव भैया बहुत ही अच्छे आदमी हैं। हम लोगों को भी धर्म और कर्म के बारे में, उन्होंने जब मैं राजद में था तो उन्होंने हम लोगों को उन्होंने सिखाया है। और तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं और कई एक बार पटना में अपने आवास पे वो कथा का आयोजन भी करते हैं। तो ये मेरा मानना है और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि तेज प्रताप यादव भैया के पूरे छवि को तेजस्वी यादव जी जो वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने उनके छवि को धूमिल करने का काम किया है और उनको गाली सुनवाने का काम बिहार की जनता से करवा रही है तेजस्वी यादव जी। जोर से बोलो, जय श्री राम। आप लोग कितना हनुमान चालीसा बांट रहे हैं? हम लोग टोटल 51,000 हनुमान चालीसा लेकर पटना के सड़कों पे उतरे हैं। हर एक मोहल्लों में हर एक लोगों तक जिनका जिनका राम पे हनुमान पे विश्वास है, जितना हम लोग का क्षमता है हम लोग लोगों तक पहुंच के निमंत्रण दे रहे हैं। और लोगों का पटना से नौबतपुर जाने का व्यवस्था आदरणीय केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी और प्रिंस राज भैया के नेतृत्व में भी हम लोग करवाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे इनके हाथ में देखिए हनुमान चालीसा है जो लगातार ये बांट रहे हैं। और ये देखिए, और दिखाऊंगा मैं इधर भी हजारों की संख्या में जो है हनुमान चालीसा देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, जिसे गली गली घूमकर ये लोग बांट रहे हैं। देखिए, स्थिति ऐसी है कि बच्चे तक अब देखिए लूटने लगे हैं हनुमान चालीसा को। कुछ महिलाएं हैं जो अपने हाथों में हनुमान चालीसा ली हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री आने, पता है आपको? हाँ पता है। क्या आप लोग भी जाइएगा? जाने को होगा तो जाए करेंगे। हाँ? अभी हनुमान चालीसा मिला है आपको? इतना हमको नहीं है। तो देख रहे हैं ये महिलाएं हैं और इसे जो है इस झोपड़पट्टी में बांटा गया है। और लगातार जो है आकाश यादव का कहना है साफ तौर पे कि 51,000 हनुमान चालीसा बांटा जाएगा पूरे पटना में और धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया जाएगा और धीरेन्द्र शास्त्री का कथा सुनने के लिए जो जाना चाहते हैं उनके जाने की व्यवस्था भी की जाएगी। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।